अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और मैं इस टाइम राशिद भाई के साथ चांद फोटो स्टूडियो के थर्ड फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ। वेदर बहुत ही खूबसूरत है फतेहपुर सिटी का, बारिश हो रही है, बादलों ने घेरा डाला हुआ है। आपको एक व्यू भी दिखाते हैं थर्ड फ्लोर से फतेहपुर का। बिल्कुल ये मेन चौक है और ये चैनल व्लॉगिंग भी करते हैं। इनका चैनल का नाम, यूट्यूब के जो चैनल का नाम है, इन्हीं की ज़बानी वो पूछते हैं। और मैं भी खुद एक यूट्यूब व्लॉगर हूँ, तो आज हमें इत्तेफाक हुआ है एक छत पे, छत इनकी जो अपना शॉप है उसके थर्ड फ्लोर पे मौसम और वेदर को एंजॉय करने का। एक छोटा सा मैं कैमरे का रुख करता हूँ, दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ ब्यूटी ऑफ फतेहपुर सिटी। यकीनन आपको फतेहपुर का ये खुशगवार मौसम पसंद आएगा। और ये रिव्यू अपने दोस्तों को भी दिखा रहा हूँ। सामने देख सकते हैं जी, कलमा चौक है, ट्रैफिक रवा दवा है और ये एमएम रोड है जी, जिस तरफ को मेरा कैमरा दिखा रहा है। ये रोड, ये ट्रैक जो है, ये मुल्तान से कराची आप ग्वादर तक, बलूचिस्तान तक सफ़र कर सकते हैं इसी ट्रैक के थ्रू। ये शॉर्टकट ट्रैक है एमएम रोड और अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में यहाँ पे सामने बिल्डिंग आ जाती है। एक आईडीए के मुताबिक आपको बता देता हूँ, ये ट्रैक आपको लेके जाता है अफगानिस्तान तक, पेशावर तक और आगे शारा है कराकरम, फिर आगे आप खजरा पास तक जा सकते हैं इसी ट्रैक के थ्रू। ये इंतहाई शॉर्ट ट्रैक है। दरिया सिंध आप इस टाइम मेरे कैमरे का रुख है जी, क्रोड रोड के ऊपर वन वे ट्रैक है और ये सीधा यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे क्रोड सिटी है, उससे आगे 7 किलोमीटर की दूरी पे दरिया सिंध है, जो कि इस टाइम काफ़ी ख़तरनाक सीन में है क्योंकि आपको पता है कि बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में वक्फे से काफ़ी बारिशें हो रही हैं। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, घर से बेघर हो गए हैं। अल्लाह ताला बारिशों का जो सिलसिला है ये अब रोक ही दे तो बेहतर है। आप इस टाइम देख रहे हैं जी फतेहपुर, ब्यूटी ऑफ फतेहपुर सिटी, वेदर, क्लाइमेट। इस टाइम मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो कैमरा है वो भी एक लेटेस्ट फीचर और वाटरप्रूफ, जिसको हम ट्राई करने के लिए चांद फोटो स्टूडियो के थर्ड फ्लोर के ऊपर आए हैं। आपने इस वीडियो का जो रिज़ल्ट है, डिस्क्रिप्शन में हम इस कैमरे का मॉडल तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। वाटरप्रूफ है, आप गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसका बड़े बेनिफिट्स हैं, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े कैमरे अपने साथ रखें ब्लॉगर दोस्तों के लिए। तो ये एक मेरे लिए तो न्यू है, बहुत सारे दोस्त इसको यूज़ भी करते होंगे। तो अब मैं अपने दोस्तों को अपनी वो क्या कहते हैं ना कि वो शक्ल दिखाता हूँ और राशिद भाई मेरे साथ हैं। तकरीर मैंने ज़रा ज़्यादा लंबी कर दी है, राशिद भाई से भी बात करते हैं। राशिद भाई ज़रा वेदर के बारे में एक्सप्लेन करें लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? जी माशाल्लाह मौसम, वेदर और हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल का नाम है जी इशू टीवी को आपने सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। उसके बाद हम कैमरे के बारे में बताएँ, ये है जी GoPro हीरो 10 कैमरा, ये हमने ख़रीदा है और इससे कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं। आज अदनान भाई हमारे पास आए थे तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने देख कर इन्हें बहुत खुशी हुई कि यार बहुत ज़बरदस्त कैमरा आपने मंगवाया हुआ है। तो हमने कहा है चले रल के एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, तो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी तो बहुत ही ग्रेट मैन है राशिद भाई, मेरा इनसे पिछले 20 साल से तल्लक है और इंतहाई अच्छे मिजाज के मालिक हैं। सो मैं अभी सही पूछे तो यहाँ पे एक ड्रिंक कॉर्नर पे जूस ड्रिंक करने के लिए आया था वेदर के हिसाब से। तो सामने इनकी शॉप है, तो इनके हाथ में मैंने कैमरा देखा तो मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा चलिए इनसे इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि इनका जो चैनल है इशू टीवी, आपने इनको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करने से यकीनन अगर हम एक दूसरे को पुश करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। सब दोस्त इनकी वीडियो भी बड़ी कमाल की होती हैं और रिज़ल्ट के हिसाब से भी इनके पास, क्योंकि ये एक तो फ़ोटोग्राफी का इनका सेटअप है फतेहपुर का, फतेहपुर में सबसे लेटेस्ट जो ये काम कर रहे हैं चांद फोटो स्टूडियो वाले। मेरे ख्याल में अभी तक इनसे आगे या इनसे आगे की कोई टेक्नोलॉजी, काफ़ी कास्टली कैमरे यूज़ करते हैं, अच्छा इनका सेटअप है।
सो इनकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी होंगी। इनके पास ड्रोन्स हैं, काफ़ी बड़ी इन्वेस्ट है इनके पास कैमरों के हवाले से। तो मेरे ख्याल में फतेहपुर में जितने भी शादियों के इवेंट होते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लिया में मैंने देखा है कि जितने बड़े इवेंट्स हैं उनको यही कवर करते हैं। तो ये मैं कोई इनकी ऐड नहीं दे रहा, जेन्युइनली तौर पे ये इनका जो काम है वो एक एक्सपर्ट हैं, आप अपने काम में ये बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। आप कह सकते हैं कि ये इनका फैमिली फोटोग्राफी से तल्लक है, रिलेटेड है, दादा से लेके आगे ये उनके पोता आ गए हैं आप कह सकते हैं। तो ये सारी फैमिली फोटोग्राफी के साथ रिलेटेड है। सो अच्छा फोटोग्राफर ही अच्छी तस्वीर बना सकता है, ये हर बंदे को पता है। मेरे हाथ में कैमरा है, शायद वीडियो पता नहीं कैसी बन रही हो क्योंकि मैं कैमरा मैन नहीं हूँ, बट कोशिश करता रहता हूँ कि वीडियो में बेहतरी लाई जा सके। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ अपने दोस्तों से, तो दुआ में याद रखिएगा जी। उम्मीद करता हूँ हमारी फजूल सी गुफ्तगू और फतेहपुर की ब्यूटी और वेदर की ब्यूटी जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है इशू टीवी के ऊपर, इशू टीवी जो इनका चैनल है उसके ऊपर, मेरे दोस्तों को मेरी फजूल सी बकवास भी पसंद आई होगी, मुझसे बोलने में कहीं पे कोताही हो गई हो, मेरी बात किसी को पसंद ना आई हो, तो माफ़ी का तलबगार हूँ। ज़मीन पे अगर आप इंसानों को माफ़ करेंगे तो यकीनन आपको अल्लाह जो है वो आसमान पे भी माफ़ कर देगा। तो यही लॉजिक है आगे निकलने का, हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, दुखी इंसानों की खिदमत करनी चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर कभी किसी मोड़ पे राशिद भाई के साथ, वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, फतेहपुर में बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखें जी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये हैं जी फैसल भाई, क्या हाल है फैसल भाई? बारिश हो रही है यार, ज़बरदस्त माहौल बन गया, मौसम ठंडा हो गया है। कुछ बोल तेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? जी फ्रेंड्स, बारिश हो रही है फतेहपुर में बहुत तेज़, माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, ये देखें।